हेलो गाइस, हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ईशो ट्रैवल ब्लॉग्स और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट प्रियंका। और सबको राम राम, सलाम अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। अच्छा, तो मैं आज आपको ये बताने वाली थी कि मैं आज बना रही हूँ फिश, मछली बना रही हूँ। और ये सुरमई मछली है, ये देख रहे हैं, ये मछली सुरमई मछली है और इसमें एक ही कांटे होते हैं। सुरमई मछली की खासियत होती है कि ये मछली एक ही कांटों की होती है। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपना ब्लॉग जो बना रही हूँ तो मैं आपको आज दिखाऊं कि दिल्ली के अंदर इतनी सर्दी है भाई, मछली वछली खा के थोड़ी बहुत शरीर में अपना गर्मी वगैरह करो। तो इसके लिए मछली में सबसे पहले मैंने इसको अच्छे तरह से वाश किया है नींबू के साथ और नमक के साथ। और फिर इसके अंदर मैंने हल्दी डाला है, मिर्च डाले हैं, इसके अंदर हमने हल्दी डाला है, मिर्च डाला है, गरम मसाले हैं और प्लस धनिया पाउडर है और उसके बाद सरसों का पाउडर है, इसके अंदर हमने मिक्स किया हुआ है। तो ये मैं बना रही हूँ आज रात के लिए मछली और चावल। तो इसके अंदर जो मैंने सामान मिलाए थे वो मैंने आपको बता दिया था। एक्चुअली हम लोग मछली इसी तरह से बनाते हैं। इसके अंदर मैंने सबसे पहले हल्दी डाला है, मिर्च डाली है, काली मिर्च, जीरा डाले हैं, सरसों पाउडर डाला है, उसके बाद इसमें जो धनिया पाउडर है वो भी हमने डाला है और मेथी का फ़ौरन दे के छौंक दे के इसको मैंने डाला। और इसके अंदर जो ग्रेवी के लिए इसमें हमने लहसुन, अदरक और टमाटर का पेस्ट इसके अंदर तैयार किया है। इसके अंदर है लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट है। तो जब ये मछली पूरी तरह से फ्राई हो जाएगी, जब ये मछली पूरी तरह से एकदम बिल्कुल फ्राई हो जाएगी, एकदम ब्राउन कलर में हो जाएगी, ब्राउन कलर, तो फाइनली अब ये देखिए कि गाइस मीट मतलब मछली पूरी तरह से तैयार हो गया। मेरी फैमिली तो आपको पता ही है छोटी है, जब मछली के अंदर ना इस तरह की तेल आप देख रहे हैं, इस तरह की तेल अगर आने लग जाता है तो फिर इसके अंदर जितनी भी आपने ग्रेवी रखनी है, जैसे अब मैंने इतना ग्रेवी मैंने लिया है, यानी मेरे को इतना रखना है, थोड़ा इसके अंदर कम भी हो जाएगा। तो अब ये हो गया, फिर हमने इसके अंदर ये फ्राइड मछली है, ये देख रहे हैं, ये फ्राइड मछली है। तो फ्राइड मछली में ये हमने है, ये देखिए, तो पहले हमने ये देखिए ये डाला, फिर हमने ये देखिए ये पीस भी डाल दिया, ठीक है। तो इसके अंदर से पीस डालने के बाद ऐसे करके खूब सारा ऐसे आप चलाइए। तो मछली बनाना ना, एक्चुअली मेरी जो मम्मी थी ना, उन्होंने मेरे को सिखाया था। मैं शादी के बाद ही मतलब मछली बनाना मैं सीखी हूँ। एक्चुअली मैं जब छोटी थी तो उस टाइम तो मैंने ये सब बनाया नहीं, कभी बनाया ही नहीं। और उसके बाद मेरी जो मम्मी है उसने मेरे को मतलब बनाया। और ये भी आज मछली इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि मेरे घर में मेरी नंद आई हुई है, तो वो कह रही थी भाभी आप ना मछली अच्छा बनाते हो मम्मी के जाने के बाद। तो मेरी जो मम्मी है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सी मम्मी मेरी, तो एक्चुअली जो मेरी मम्मी है तो उन्होंने मुझे ये मेरे को सिखाया था। और आपको तो पता ही है मेरी मम्मी का नाम सीमा है और मेरी मम्मी ने ये चीज़ मेरे को अच्छे से सिखाया था। और गाइस एक चीज़ और भी, मैं ये देखिए अब ये मछली मैं ढक के रख दूँगी, ये ढकने के बाद इसकी थोड़ी सी उबाल आएगी। देख रहे ग्रेवी, आप देखिए ग्रेवी को देखिए, ये जो ग्रेवी है ना इसी के हिसाब से होते हैं कि ये चावल और दूसरे तरफ देखिए। तो आपको मैंने ये दिखाया कि ये देखिए मछली में अब मैंने पानी डाल के और ये तरीके लायक हैं, ये धीरे धीरे देखिए चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी सी तेल है, क्योंकि मैं ना थोड़ा तेल कम ही खाती हूँ। और ये भुना हुआ मछली पीस मैंने रख दिया आर्यन के लिए, काफ़ी सारा है, 8-10 पीस है, आर्यन हो गए और मैं होगी और वो हो गए, बच्चे और भी हैं, मेरी नंद है, मेरी भाभियाँ हैं, वो भी खाएंगी। और ये देखिए ये जो मैंने सीखी हुई एक्चुअली ना, मेरे जो दादा हैं ना ओझा जी, मेरे दादाजी जो थे ना तो वो ओझा का काम करते थे, तो उनसे मैंने ये सीखा था। सर्दियों में ना हमारे घर में खूब खूब खेती होती थी, इनकी खूब खेती होती थी, तो ऐसे वो हमें ना आग के पास पका के खिलाते थे। तो जब भी सर्दियाँ आती है
तो मैं ना जब भी सर्दी आती है तो मैं भी ना ये वाला मतलब दो चार दिन ज़रूर खाती हूँ बना बना के, जब मेरे को याद आती है, मेरे दादा की याद आती है। मेरे दादा बहुत अच्छे इंसान थे, एक मतलब वो ना ओझे का काम करते थे, ओझा जैसे किसी को कुछ जांच पड़ताल या कुछ झाड़ा फूकी वैसे काम होते ना, वैसे काम करते थे, काफ़ी अच्छे इंसान थे। और ये देखिए दूसरी तरफ ये चावल बन रहा है हमारा, और इधर ये हो गया, और इधर देखिए मछली में भी आपको दिखाऊँ मैं, धीरे धीरे उबाल आ रहा है और ये सारे पीस रखे हुए हैं। तो गाइज अगर मेरी वीडियो को पसंद आए, अगर मेरी वीडियो आप पसंद करते देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू, गुड नाइट, सबका खैर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।